उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के अरंडिया गांव में रहने वाले किसान ने जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पहुंचकर लिखित में शिकायत कर समस्या बताई, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही सुनवाई हो रही है। गांव के मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, इसकी वजह से वाहन लाने ले जाने के दौरान समस्या आती है। साथ ही मुख्य रोड सकड़ा हो जाने की वजह से आए दिन विवाद होते हैं। वृद्ध किसान ने तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय पर समस्या परेशानी बताई, पर अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रही आप कहाँ रहते हैं, क्या पूरा मामला है? मैं पूनम चंद सिरवी, ग्राम अरिंडिया, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन का निवासी हूँ। मेरी कृषि भूमि अरिंडिया गाँव में है और मेरे साथ चार साल से आज मैं कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पास बहुत समस्या आ रही है, मैं बुजुर्ग हूँ। मैं कलेक्टर के पास भी गया, कमिश्नर के पास भी गया, उज्जैन भी गया, जोग सुनवाई में गया, जन सेवा में भी मैं गया। जन सुनवाई में मेरी कोई शिकायत सुनवाई किसी ने नहीं करी अधिकारी ने, और आज दिन तक मेरे पास कोई भी अधिकारी की कोई आज किसी ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। और मैं परेशान हो रहा हूँ और मेरी फसल काटने की तैयारी पे है और नुकसान हो जाएगा, उसका जवाबदार कमिश्नर कलेक्टर कोई भी अधिकारी तहसीलदार SDO ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे कि जवाबदारी उनकी रहेगी। हम इससे परेशान हो रहे हैं, हम कि कोई कहने में भी नहीं आए, वो गालियां बोलती है जाते हैं, तो अब क्या करें हम, ऐसा बुढ़ापा में क्या क्या करें। कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग? चार साल हो गया है। क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या, क्या परेशानी आती है? लिखला नहीं देती है, ट्रैक्टर नहीं लिखने देती है, लट लेके उभी रहती है सामने, गालियां बोलती है बुरी बुरी, और हम क्या करें। पटवारी आते हैं तो देख दाखा के चले जाते हैं पाछा, और क्या करें हम दूसरों। आप लोगों ने शिकायत वगैरह समस्या वगैरह बताई नहीं अधिकारियों को, बताई नहीं आपने? सभी को शिकायत, सभी की शिकायत कर दी। अच्छा, फिर तो सुनवाई भी नहीं करेंगे? आठ दिन तक हमारी सुनवाई नहीं। हमारी शादी थी तो बारात लेके गया, उन्होंने पाछी झोंपड़ी खड़ी कर दी, एड़ी थी एक दान की। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।